कि नींद अपनी खोकर सुलाए हमको और आंसू अपने गिराकर हंसाए हमको, कि नींद अपनी खोकर सुलाए हमको आंसू अपने गिराकर हंसाए हमको। कभी दर्द ना देना बेटा उस खुदा की तस्वीर को, लोग प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रौसेनी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रौसेन डिफेंस में। मैं रौसेनी लेके आया हूँ टॉपिक बायनोमियल का पार्ट 4। बात करें बाबू, ये चार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे सर, इन चार क्वेश्चनों के साथ केवल और दो कॉन्सेप्ट को डील करेंगे, बाकी जितने भी मिड पॉइंट के, जितने भी बायनोमियल के मिड पॉइंट के सवाल है, आप एक एक सवाल को क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। जैसे कि बाबू आपको पहला क्वेश्चन यानी पहला कॉन्सेप्ट क्या है, एक्स और सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स और ये बी। बेटा अगर पावर अपने पास अगर क्या हो, जैसे मान ले पावर दो हो सकती है सर, या तो हो सकती है इवन, क्या हो सकती है इवन या हो सकती है बाबू ऑड। अगर आपके पास पावर इवन है तो इसका जो मिडल टर्म है, उसका जो मिडल टर्म वो क्या होगा सर, एन में दो का डिवाइड करेंगे और प्लस का वन करेंगे सर। क्या जब पावर आपके पास इवन आ जाए, क्या जाए बाबू इवन आ जाए, तब क्या करेंगे सर, दो का भाग देंगे और एक जोड़ेंगे। जब बाबू आपके पास अगर पावर ओड आ जाए, ओड में विषम आ जाए, तो क्या करना है उसमें एक जोड़ो और दो का भाग दो, एक जोड़ो दो का भाग दो और इसमें तीन जोड़ो दो का भाग दो। तो कहने का मतलब हुआ अगर पावर विषम है तो उसमें मध्य पद कितने होंगे, दो होंगे, अगर पावर सम है तो उसमें मध्य पद एक होगा। बात करते हैं बाबू आपकी उसकी पे पहले सवाल की, एस की पावर तीन माइनस एक्स अपॉन में थ्री, एस की पावर टेन है के विस्तार में, मध्य पद क्या होगा। बाबू मध्य पद ज्ञात करने के लिए इसमें भी मध्य पद ज्ञात करना है, इसमें भी मध्य पद ज्ञात करना है, इसमें भी मध्य पद ज्ञात करना है। तो सर करना क्या है, देखो पावर के लिए बाबू दस है, सम है, सम होने के लिए सर पहले तो देंगे उसमें दो का भाग, दो का भाग देने के बाद उसमें जोड़ेंगे एक। तो बाबू अपने पास जो पद होगा वो कौन सा होगा, छठा पद होगा, कौन सा पद होगा, छठा पद होगा। और छठा पद कैसे निकालते हैं सर, टेन सिक्स। तो बाबू पावर कितनी है, दस है, और पावर अगर मध्य पद हो मतलब छठा पद हो तो आर का मान होगा पांच, और एक्स की पावर कितनी है बाबू तीन है, और वन माइनस एक्स की पावर कितनी है तीन है। तो यहाँ पे जितनी पावर होती है वो यहाँ पे होती है, और दोनों का अंतर कितना है पांच है, तो वही आपके पास आंसर रहेगा। इस वाले से ये वाला कट गया, इस वाले से ये वाला कट गया, लेकिन आपका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा बाबू, नेगेटिव आएगा। आई होप आप सभी को पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा और साथ साथ मजा भी आया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, के विस्तार में मध्य पद। बाबू मैंने क्या कहा, विषम आ जाए तो एक जोड़ो और दो का भाग दो। अच्छा जी सर, सर तीन जोड़ो और दो का भाग दो, तो अपने पास कितने मध्य पद आ गए सर, एक आ गया मध्य पद पांचवा, एक आ गया मध्य पद छठवा। बाबू पांचवा मध्य पद निकालने के लिए कौन सा, पांचवा पद निकालने के लिए सर नाइन सी फोर लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे ए अपॉन में एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस का एक्स अपॉन में ए। पावर चार और पावर कितनी पांच, नौ में से चार गए तो पांच, इसको सोल्व कर लेना। छठे पद का कैसे निकालेंगे सर, नाइन सी फाइव और ए अपॉन में एक्स, यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस माइनस का एक्स और अपॉन में ए। और यहाँ पे पांच है तो यहाँ पे पांच, यहाँ पे दोनों का अंतर होता है, इनको सोल्व करना, कुछ कटे तो काटना और बाकी को चलते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा के ऊपर सामने मध्य पद, बहुत समय है तो क्या होगा सर, दो का भाग दिया कितना आएगा, दो का भाग दिया तो आया पांच, और पांच में जोड़ा तो कितना आया छह, तो छठा पद निकालना है सर। टेन सी सिक्स की जगह क्या जाएगा, जितना ये आप पूछे उससे एक कम होता है सर एक्स, और वन माइनस एक्स की पावर यहाँ पे पांच, यहाँ पे कितना आएगा पांच आएगा। आई होप जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बाबू, पावर की विषम है तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव, इसको आपको सोल्व करना है। ये वाला सवाल इस बार की अग्निवीर वायुसेना में आया हुआ एग्जाम बेटा सवाल है, क्या है सर, इसमें पहले तो पद बताओ, पद कितने होंगे सर, ये सॉरी हाँ सम है विषम है सर, सम है नहीं, कितना भी रखो इनका मान सम ही आएगा, तो सम रखने के लिए सर पहले क्या करते हैं दो का भाग देते हैं फिर उसमें एक जोड़ते हैं, तो हमारा कौन सा पद होगा, एन प्लस वन वा पद होगा, एन प्लस वन वा पद। तो आई होप से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लियर, तो सर कौन सा निकालना है, एन प्लस वन वा पद निकालना है। अच्छा जी सर, अब टू एन सी यहाँ पे जितना होता है उससे एक कम, लो जी सर यहाँ पे कितना है एक्स है, यहाँ पे वन अपॉन में एक्स है, यहाँ पे जितना है उतना, और यहाँ पे दोनों का अंतर यानी कि एन आ गया, तो सर एन से एन कट गया, और यहाँ पे जो अपना आंसर है कि नया टू एन सी एन, और इसको सोल्व कर लेना बाबू अपना ये क्या होगा राइट आंसर। और सोल्व कर ले कैसे करते हैं ये भी बता देता हूँ सर, फैक्टोरियल एन
और सो 2n है और यहाँ पे ऐसा वैसा और दोनों का डिफरेंस, तो क्या लिखोगे 2n माइनस का n, यानी कि सर अपना जो आंसर आया 2n, यहाँ पे फैक्टोरियल n, यहाँ पे आया फैक्टोरियल n। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आएगा। देखो बाबू चार क्वेश्चन किए हैं, चार क्वेश्चन के साथ साथ हमने दो कॉन्सेप्ट को डील किए हैं सर। क्वेश्चन क्या बनेगा सर, मिडल टर्म ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना बाबू, मिडल टर्म ज्ञात करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या लिखा है बेटा सर, 2 प्लस x की पावर 7 के प्रसार में चौथा पद ज्ञात करना है। बाबू जितना पद अच्छा जितना पद आपसे पूछे, जितना पद पूछे आपसे उससे जस्ट कम क्या होता है, यहाँ पे जो r का मान होता है ना वो होता है। तो सर 4 पूछा तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया, तो 2 ऐसा कैसा x ऐसा कैसा, बाबू ये 3 यहाँ पे आ जाएगा और दोनों का अंतर कितना है 4, तो ये 4 यहाँ पेगा। इसको सॉल्व करने का आपका काम के विस्तार में उसकी पावर 5 का गुणांक। देखो अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखो ऐसा कैसा और 12 ऐसा कैसा और ये ऐसा कैसा, यहाँ पे लिखो a का मान, यहाँ पे लिखो b का मान। अब गुणा कितना चाहिए 5, तो यहाँ पे लिखो 5, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 होगा, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे दोनों का अंतर कितना है बेटा, दोनों का अंतर कितना है 7 है, ये आपका क्या हो गया गुणांक हो गया। लेकिन यहाँ पे गुणांक लिखना है तो यानी x वैल्यू वैल्यू को नहीं लिखना, तो 3 की जिसको इसको लिखोगे सर 12c5, यहाँ पे लिखो 2 की पावर 7, यहाँ पे लिखो 3 की पावर 5। सेम ऐसे के विस्तार में इसकी पावर, देखो बाबू जब ये वाला तो अलग था, इसमें केवल से एक ही है। अगर आपके पास या एक्स हो या वाई वाई हो कुछ भी हो, तो आपको पहले आर का मान निकालना है। आर का मान निकालने के लिए क्या करते हैं अंकित, ये देखो सवाल, इस सवाल को देखो फटाफट कितना है इसकी वैल्यू, देखो सवाल, देखो सवाल में देखो कुछ, यहाँ पे पावर कितनी है 11 है, ये तो हो गया इसकी पावर कितनी है 11 है। तो सर जब आपके पास या तो एक्स हो या वाई वाई हो, पहले क्या था केवल एक्स था या फिर अकेला वाई था, सर दो जाए तो क्या करना है, वो पहले आर का मान निकालना है। आर का मान निकालने के लिए एन अल्फा माइनस का क्या लिखते हैं एम, और यहाँ पे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। सर होता क्या है यहाँ पे एक्स की पावर अल्फा, सॉरी एक्स की पावर, ओ नो नो नो, यहाँ पे एक्स की पावर अल्फा प्लस माइनस वन एक्स की पावर, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे पावर एम, और पूछे क्या एक्स की पावर एम का गुणा, इसको इससे मल्टीप्लाई एन अल्फा माइनस जो पूछे वो और दोनों का यू, तो बाबू सेम है जीडी। तो इसको यहाँ से करो कितना हो गया 22 हो गया, चाहिए कितना 26 चाहिए, तो माइनस और माइनस कितना गया प्लस का हो गया, दोनों का योग कितना है 6 हो गया। बाबू आर का जो मान है दोनों का करो कितना आएगा 8, यहाँ पे आया कितना, अब भाग दूंगा तो शायद 48 आएगा ना, कितना आएगा आर का मान है सर अपने पास 8 है। तो सर के विस्तार में इसकी पावर 8, आर का मान 8 आ गया, तो गुणांक ज्ञात करने के लिए सर पद कौन सा होगा 9 होगा, और पावर कितनी है 11, यहाँ पे लिखेंगे 8, और यहाँ पे इसका गुणांक कितना है 1 है, यहाँ पे इसका गुणांक कितना है माइनस का 2 है, तो पावर 8 है, यहाँ पे दोनों का अंतर, इसको सॉल्व कर लेना, गुणांक आपके पास क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। अगर बात करते हैं इस सवाल की के विस्तार में इसकी पावर 4 का गुणांक, बाबू करना कुछ नहीं, थोड़ी देर पहले आर का मान निकालो, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई तो कितना गया 10 हो गया, माइनस जो कुछ दरक है वो करो, दोनों इसको इसको ऐड करो कितना गया 3 हो गया, तो आर ऊपर कितना बेटा 6, नीचे कितना है 3, तो आर का मान कितना गया सर जी 2, आर का मान आते ही तो टी का मान 3 बता दोगे, तो सर तीसरा पद ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखो 10c2 गुणांक कितना है 1/2, और यहाँ पे लिखो माइनस का 3, यहाँ पे जितना है वो उतना और दोनों का डिफरेंस, इसको सॉल्व कर लेना आपका काम हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको समझ में आएगा, मजा आएगा, बाकी करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।